सुबह जैसे ही निकले हैं तो थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया है और आज खिली हुई धूप भी है। सुबह से ही लग रहा था खिली हुई धूप। अरे कमल है अब भाई, अब बोले बोलने के लिए तो बोल रहे भाई, मुखारविंद से प्रस्फुटित कर रहे हैं कमल रूपी वाक्य। अरे साला, अरे बेटा ये तो बहुत डीप मारे हो बे। अब यहाँ से निकलना है, अब यहाँ से सीधे अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का जो टोटल डिस्टेंस है 414 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इज गोना टेक अस 7 hours 9 minutes एज पर GPS, बट आई नो के हमें ज्यादा लगने वाला है। एंड निकलते हैं यहाँ से, बीच में कहीं रुकेंगे कुछ खाने वाने के लिए। मीनवाइल अपने पास जो चॉकलेट्स और केक है अभी वो खाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद की जर्नी। This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. क्योंकि टाइम की कमी है तो खाना ऑन द गो। कैन सी द क्लियर ब्लू स्काई, हल्का हल्का क्लाउड है व्हाइट कलर का, यू नो ब्लू पे जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। ब्लैक रोड, रोड के दोनों साइड पे हल्की हल्की बारिश का पानी जमा हुआ है, ग्रीनरी है और एकदम खाली है रास्ता। क्रूज पे डाल के क्रूज कर रहे हैं बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। अहमदाबाद जल्दी से जल्दी पहुँचना है। रोड के नज़ारे बहुत मस्त हैं। 20-20 किलोमीटर तक, 10-10 किलोमीटर तक सीधा रोड है एंड रोड पे आपको कोई भी नज़र नहीं आता है। हम देखने तो वाइट डेजर्ट आए थे लेकिन लोगों ने हमें पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ डेजर्ट टाइप का तो मिलेगा नहीं। लेकिन जो हमने देखा, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली पानी जब सूख जाता है तो पूरा वाइट सॉल्ट हो जाता है। सो जो हमने देखा वो शायद किसी वीडियो में मिला नहीं होगा आपको, तो आपको डेफिनेटली एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला होगा। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आप बाइक से आते हो तो यहाँ पे थोड़ा धीरे चलो, बहुत एक्सट्रीम विंड ब्लास्ट है, बहुत एक्सट्रीम विंड ब्लास्ट है। दोनों साइड से कुछ है नहीं, बहुत तेज़ विंड बहती है, तो थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा कॉशियसली आओ। गाड़ी पे भी मैं दोनों हाथ से स्टेयरिंग पकड़ा, 120 पे क्रूज कर रहे हैं हम, 130 पे एक्चुअली। सो आप देख सकते हो कि सामने रोड बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा कुछ बस बीच में वो कैटल एंड वो सारे चीज़ें हैं, भेड़ बकरियाँ आती हैं, तो थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन क्रूज वेरी कम्फर्टेबली। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक डबल लेन पे हो जिसमें से ऑनकमिंग ट्रैफिक भी नहीं है, सिर्फ वो भेड़ बकरियों की वजह से कभी धीरे करना पड़ेगा। So, अभी यहाँ से अपन लेंगे लेफ्ट टुवर्ड्स अहमदाबाद। आते वक्त यही रास्ता मैंने दिखाया था, हम राइट से आए थे टुवर्ड्स भुज एंड अपन यहाँ से लेफ्ट लेके 352 किलोमीटर्स कवर करेंगे टू आर टुडेज डेस्टिनेशन विच इज अहमदाबाद। I know that we will see
Now we are crossing city of Bhuj. Actually Bhuj पीछे रह गया. कल भी if you remember अगर आपने पिछला vlog देखा होगा तो हमें ATM से पैसे नहीं मिले थे. आज भी हमें यहाँ पे ATM एक जगह हमने already try कर लिया, वो ATM work नहीं कर रहा था. So अभी कहीं से देखते हैं. मार्केट एक्चुअली पूरा बंद है यार. इज इट बिकॉज ऑफ संडे या फिर कल ईद है उसके वजह से, बट पूरा मार्केट बंद है. आज मौसम कितना अच्छा है, मतलब दो दिन से हमने धूप देखा ही नहीं था और आज इतना ब्राइट सनी है. 32 डिग्री टेम्परेचर आउटसाइड. लास्ट टाइम जब हम यहाँ से आ रहे थे टुवर्ड्स और जैसे ही हम आज सुबह जैसे ही निकले हैं तो थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया है और आज खिली हुई धूप भी है. सुबह से ही लग रहा था खिली हुई धूप. अरे कमल है अब भाई, अब बोले बोलने के लिए तो बोल रहे भाई, मुखारविंद से प्रस्फुटित कर रहे हैं कमल रूपी वाक्य. अरे साला, अरे बेटा ये तो बहुत डीप मारे हो बे. दियो लॉलीपॉप बॉल तो मार लेते हैं. सो क्योंकि ये स्टेट हाईवे है तो यहाँ पे टोल नहीं है. सो हम टोल फ्री जाएंगे. टोल है क्या? नहीं है ना? नहीं है. ये आंटी क्या कर रही है? ओके जस्ट वन थिंग, आप देख रहे हो सामने रोड पे एक कुत्ता मरा हुआ है. सो यहाँ पे कल जब से हम राजस्थान से गुजरात की तरफ आ रहे थे, वी सॉ अ लॉट ऑफ एनिमल जिनको गाड़ियों ने हिट किया था एंड वो रास्ते पे मरे हुए थे, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ते हो, बकरियाँ हो. सो जब भी आप आ रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं जो रोड क्रॉस करते हैं या कभी भी रोड पे भाग सकते हैं, क्योंकि वो जानवर है तो उनको उतना दिमाग नहीं है, बट आपको दिमाग है, हमें दिमाग है. सो ट्राई टू यू नो, अभी आपको रोड के साइड में जानवर दिखे तो प्लीज थोड़ा सा धीरे कर दो, क्योंकि वो कभी भी दौड़ जाते हैं. सो इट माइट सेव समबडीज लाइफ. सो रिप्लाइंग टू ऑल द इंस्टाग्राम मैसेजेस, बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे स्टोरीज अपडेट की. सो अभी सबको रिप्लाई कर रहा हूँ. मनी गाड़ी चला रहा है, थोड़ा यू नो सोशलाइज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर रास्ता तो इन्जॉय कर ही रहे. काफ़ी धूप निकली हुई है, सनी है, अच्छा लग रहा है. अहमदाबाद से आई हैव बिन यू नो गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पीपल फ्रॉम गुजरात. तो मुझे, मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि क्या रोड कहीं पे प्रॉब्लम है, फ्लड का क्या सिचुएशन है. थैंक यू सो मच गाइज, इफ एनी वन ऑफ यू आर वॉचिंग इट, जिससे मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत हेल्प मिलता है एक्चुअली रूट के बारे में प्लान करें, स्पेशली जब बहुत अनसर्टेन है एंड फ्लड का सिचुएशन है. अदरवाइज गूगल आंटी तो है ही रास्ता बताने के लिए. चलो आगे चलते. तो अभी यहाँ से निकल के सामने NH 41 पे हम मिल रहे हैं. NH 41 वही रोड जिससे हम आए थे, राइट? एंड हम बाई डिटोर लिया था हमने टुवर्ड्स भुज, वापस से उस रोड पे मिल रहे हैं. अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या बारिश थी, पूरा NH भरा हुआ था पानी से, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश थी कि आगे में कुछ दिख नहीं रहा था, वाइपर ब्लेड काम नहीं कर रहे थे. एंड आज देखो कितना सनी है, कितना सनी है, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है. हाईवे एंड देखो रोड पे कुत्ता मरा हुआ, जो अभी एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. सो तीन फक 4 बज गए. शाम के 4 बज गए. मुझे लग रहा था कि शायद अभी 12-1 बज रहा होगा, तभी मुझे भूख लग रही है ना. तो यहाँ पे रुकते हैं कहीं पे ढाबे पे, कुछ खाते यार. बिल्कुल बिल्कुल, पेट को टाइम का पता चलने से ज्यादा भूख लगती है. So, हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है, NH 41 को छोड़ दिया जो पालनपुर जाता है.
हमने यहाँ से लेफ्ट मारा है एंड अभी हम हैं स्टेट हाईवे 6 पे। सो अभी ये स्टेट हाईवे 6 पे अपने को काफी दूर तक चला है। सो अपन अब 38 किलोमीटर स्टेट हाईवे 6 पे चलेंगे और उसके बाद अपने को टर्न मिलेगा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को विच विल टेक अस, सॉरी राइट हैंड साइड को विच विल टेक अस टू NH 27। तो चलो चलते हैं स्टेट हाईवे। सो अभी यहाँ पे रुकने का प्लान है, वापस रिवर्स करके लगा रहे हैं ताकि गाड़ी छांव में रहे। कल इतनी बारिश थी कि शेड में तब भी लगाना पड़ रहा था और आज धूप है तो शेड में अभी भी लगाना पड़ रहा है, कहीं धूप कहीं छांव। चलो चलते हैं कुछ खाते हैं। सो अपन जस्ट यहाँ पे उतरे और रियलाइज हुआ कि इस चक्के का व्हील कवर कहीं चला गया। ठीक है, अभी व्हील कवर का क्या करें यार, हवा बहुत तेज चल रही है। चलो अंदर चलते हैं, चलो मनी। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है तवा पनीर, रोटी, प्याज, थम्सअप। कम खाओ नींद कम आएगी, और वैसे भी 4 बज गए हैं तो खाना तो बनता है, तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं यहाँ पे, फिर निकलते हैं यहाँ से। नज़ारे मस्त हैं, जगह ऑसम है। लंच हो गया है 4:43। अभी जो ETA बता रहे हैं, कितना बता रहे भाई मनी भाई एक बार देखेगा क्या, तो अपने को अगर कवर करना है 232 किलोमीटर्स, 4 घंटे लगेंगे, 9 बजे तक पहुंचेंगे। मौसम अच्छा है बहुत ज़्यादा। ये आगे शीशा साफ करते भाई, रुके शीशा साफ तो करेंगे। चलो जी शीशा भी साफ हो गया, कटते अभी यहाँ से, खट्टे से पहुँचते अहमदाबाद, खट्टे से। सो वी आर क्रॉसिंग ए प्लेस जहाँ दोनों साइड पे सॉल्ट एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा था और दो द रोड्स आर 4-lane, मतलब 4-lane रोड्स हैं, बट आप सामने देख ही रहे हो ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं। और जब एक छोटी ट्रक, सॉरी एक बड़ी ट्रक दूसरी बड़ी ट्रक को ओवरटेक करती है तो ड्राइवर आपस में नैन मटक्का करते हुए बातें करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। सो हम उनके पीछे हैं, हमें ड्राइवर से नैन मटक्का करना नहीं है, गियर चेंज करते हुए बढ़ते हैं आगे। 947 एज पर द गूगल 947, मतलब 947 क्यों आ रहा है पता नहीं, बट 947 आ रहा है तो आ रहा है। और हम जा रहे हैं अहमदाबाद, मुंबई अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर के आसपास है और ये आई थिंक अच्छे रोड स्टार्ट हो गए, पहले भी अच्छे थे लेकिन बीच में बारिश वारिश के कारण काफ़ी टूट गए थे रोड, तो बैक टू नॉर्मल रोड। अहमदाबाद is, as you can see the board, it's 194 kilometers. So 200 किलोमीटर में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. सो 6 बज गए हैं और अभी भी अपना डिस्टेंस 160 किलोमीटर के करीब बाकी है। सामने बादल देखो गाइस, मस्त वाले बादल हैं यार, एकदम काले घने काले बादल और बरसात होने के फुल चांसेस हैं। इनफैक्ट बारिश अभी होनी स्टार्ट हो गई थी, अभी ड्रिजल विजल हो रहा है तो तीसरी बार टैंक फुल करा रहे हम। तीसरी बार बेसिकली, पहले बार भी 2 पॉइंट कम में करा लिया था। फिर पहले हम तो निकलते फर्स्ट तो गुड़गांव से निकलते वक्त सेकंड हमने 2 पॉइंट कम में, अभी भी 2 पॉइंट कम था, टैंक फुल करा लिया क्योंकि डीजल रहेगा तो उड़ेगा तो है नहीं, एंड आगे जिस हिसाब से मौसम और बारिश है तो टैंक में और खाने के लिए, मतलब फ्यूल और खाना तो आपके पास रहना ही चाहिए गाड़ी में। तो चलो ठीक है, 3 बार टैंक फुल कराने के बाद अपना डिस्टेंस जो बचा है अभी वो 150 किलोमीटर बचा है, तो पहुंचते हैं अहमदाबाद
और ये सामने आपको काले बादल नजर आ रहे होंगे, पता नहीं कैमरा में कितना नजर आएगा, बट बारिश स्टार्ट हो चुकी है एंड बारिश का मजा ले रहे हैं। सुबह से धूप खिली हुई थी, अभी बारिश चू रही है। कल ऐसा ही सिचुएशन था, बहुत तेज हवा और बहुत बहुत ज्यादा तेज बारिश। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि रात में तो डेफिनेटली विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि एकदम धुंधला धुंधला सा नजर आता है। तो धीरे धीरे चलेंगे, कंफर्टेबली चलेंगे। डिड यू जस्ट सी, पानी बरस रहा था और अचानक से यहाँ पे पानी नहीं है। सो यहाँ पे बारिश नहीं है, पीछे बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये बड़ा अमेजिंग होता है हाईवेज पे कभी कभी, एग्जैक्टली सामने आपको बरसात नहीं, सामने बिल्कुल भी बारिश नहीं और पीछे एकदम तेज बारिश। साला मैंने टोल के लिए पैसे निकालने के लिए बोले, टोल नहीं लेते बे ये लोग, रोड इतना अच्छा है टोल क्यों नहीं लेते। ओके सो यहाँ भी टोल नहीं देना पड़ रहा हमें, विच इज अगेन ए वेरी गुड थिंग। बहुत मजा आता है यार ऐसे छोटे छोटे पैसे बचा के ना, जो चिंदी बनती में मजा है ना भाई, वो एग्जॉटिक लाइफ में है ही नहीं, है ना। एक्सपेंसिव थिंग्स एंड ऑल, चिंदी बनती में जो मजा है ना, ये 75 रुपए बचा के साला जैसे लग रहा है दुनिया जंग जीत ली ना मैंने। सुसु करके आता हूँ, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। किलोमीटर्स ओनली और यहाँ भी टोल नहीं है, तो अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने पहले बताया चिंदी बनती करने में बहुत अच्छा लगता है। सो वेलकम टू अहमदाबाद सिटी, हार्ट ऑफ गुजरात आ ही गए फाइनली। 500 किलोमीटर चला के हम एंड अब अपना होटल का डिस्टेंस यहाँ से 5 किलोमीटर है। सो वो 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर मनी के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनसे मिलेंगे, साथ में डिनर करेंगे एंड देन आई हैव यू नो ए कपल ऑफ सब्सक्राइबर्स, माइट बी अभी आई एम नॉट श्योर बट माइट बी विल बी मीटिंग देम एज वेल। सो चलो चलते हैं होटल चेक इन करते हैं। सो हम पहुँच गए अपने होटल पे, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। सो गाड़ी हमने बाहर ही पार्क की है बिकॉज मनी के फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। सो वी आर हियर, फटाक से चेंज करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे एंड देन विल मूव आउट। ओके सो विल गेट द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने ये होटल एक्चुअली कितने में बुक किया है, यू गाइस विल बी शॉक्ड। बताता हूँ कैसे किया है। बगल वाले होटल में ले जा रहे भैया। अच्छा यहाँ तो लिफ्ट खोजना भी, मतलब GPS लगा के लिफ्ट खोजना पड़ेगा। आराम से भैया, हम फ्रिज नहीं ले जाते, हम सिर्फ चद्दर बेडशीट तौलिया टीवी ये ले जाते जो पैसिफिक फ्रिज बड़ा है। ओके सो गाइस आई गॉट दिस होटल फॉर 1000 bucks। यस यू हर्ड इट करेक्ट, आई गॉट दिस होटल फॉर 1000 bucks पर नाइट फॉर 2 people। And how I got this, हम हमेशा लास्ट मोमेंट पर बुक करते हैं, तो ये होटल हमने 5 बजे बुक किया, आज 5 बजे we got the best deal। So छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, but yeah, neat and clean and tidy room।
एंड मनी गया है वॉशरूम एंड अभी हम तैयार हो के ओके मनी एक मिनट लेट मी जस्ट शो दैट घुस जाऊं. सो दिस इज द वॉशरूम छोटा सा. तो गाइज चलते हैं तैयार होके पहले कुछ डिनर विनर करते हैं फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे. सो वी आर आउट फॉर डिनर एंड मीटिंग मनीज फ्रेंड. सो हम लोग थोड़ा सा शूज वूज डाल लिया एंड जीन्स वीन्स डाल लिया. सो अभी यहाँ पे डिनर करेंगे उसके बाद आई विल बी मीटिंग हिमांशु एट मानिक चौक. सो बेसिकली देयर इज अ प्लेस जो रात में 2 बजे तक खुला रहता है. देयर इज अ फूड जॉइंट काइंड ऑफ स्टफ जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं एंड वो रात में 2 बजे तक खुला रहता है. सो वी विल बी गोइंग देयर. तो अभी चलते हैं दिखाता हूँ डिनर करते हैं पहले. So amazing. अभी भी मनी फोटोग्राफ लेते हुए. तो खाने से पहले फोटोग्राफ इंस्टा स्टोरीज के लिए. आंची सो आई एम सो सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग. ओके सो हिमांशु अभी यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है तो हम थोड़ा लाइट में जाके बात करते हैं. चलो सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग. यू नो हिम तो अभी डिनर करके हिमांशु वॉज वेटिंग फॉर अस. अभी यहाँ पे बहुत अंधेरा है सो थोड़ा लाइट में आते फिर ऊपर मिलते हैं. नॉट ए फोटोग्राफ दिस इज द वीडियो. हिमांशु पोज देके खड़ा तो हिमांशु पोज देके खड़ा हुआ है. सो वी आर मीटिंग टू लवली सब्सक्राइबर्स हेयर इन अहमदाबाद. सो सर आपका नाम महिराज एंड हिमांशु हमारे साथ ऊपर था. सो बेसिकली महिराज का मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया तो आई जस्ट पिंगड हिम एंड लकली ही इज जस्ट स्टेइंग नियर बाय. तो ये रियलाइज कि हम किस जगह पे रुके हुए थे. थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शोइंग यू लव. बहुत अच्छा लगा बात करके एंड हम मैंने महिराज को अभी प्लान किया है कि अगर हम बाई चांस स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हैं तो मैं आपको मैसेज करूँगा सो दैट वी कैन मीट दैट टाइम एज वेल. सो थैंक यू सो मच गाइज. रात के 1 बज रहे होंगे ऑलमोस्ट. हाँ तो 1 बजे. थैंक यू सो मच फॉर यू लव एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू मीट अस. वेलकम टू आवर रूम. सो अभी हिमांशु के साथ थोड़ा चिट चैट करेंगे. ओके एंड यू कैन कम दिस साइड ना. यहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है. उनको पता था कि हमने 1000 रुपए में बुक किया तो बल्ब थोड़ा कम दिया हमें. ये वाली लाइट जलनी चाहिए. कोई बात नहीं. So with that said and done guys, thank you so much for watching this video. If you like this video, give this video a like. If you're new to the channel, do subscribe to the channel. Peace.